ये एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 9 बज रहा है और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग 9 बजे से कर रही हूँ और अभी देख सकते हैं आप बच्चों ने रूम कैसा बना रखा है। बच्चों के जाने के बाद मैं करती हूँ रूम की सफाई और फिर करूँगी लंच की तैयारी। तो ठीक है, मिलते हैं आगे आपसे। तो फ्रेंड देख सकते हैं बच्चे स्कूल चले गए और रूम कैसा हो रहा है इनका। कहीं स्टडी टेबल है, कहीं इनके कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं बुक्स पड़ी हुई हैं। देखिए, क्योंकि बच्चे कितनी भी जल्दी उठ जाएं, इनको लेट ही हो जाता है हमेशा उठने के बाद, तो काफ़ी हपड़ तपड़ मचाते हैं स्कूल जाने में। ये देखिए, इनके जाने के बाद मैं ये सब ठीक करूँगी। अभी रूम मैंने क्लीन नहीं कर रखा है, ये देखिए कैसे फैला रखा है इन्होंने सब, अस्त व्यस्त। विंडो भी नहीं खुली है, धूप आ गई है, मैं विंडो खोलती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, अब ये पूरी अंदर बेड तक आ जाएगी। अभी सिर्फ निकल रही है हल्की हल्की। ये देखिए, इधर हमारी लॉबी में भी काफ़ी तेज धूप यहीं पर ही आई है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में चिल्ड्रंस डे पे मेरे बेटे ने बनाया था, सेव मी वाटर ड्रॉप। तो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बनाऊंगी भट्ट की चुटकानी। ये पहाड़ी डिश है, काफ़ी अच्छी होती है और पहाड़ी चावल के संग ही अच्छी होती है। तो ठीक है, दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपसे लंच बना। तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल देती हूँ। और देखिए, ये मैं भट्ट की चुटकानी बना रही हूँ। ये भट्ट रखे हैं लहसुन प्याज, और इसमें मैं ये आटे को भूनूंगी, इससे थोड़ा ही गाढ़ा होता है, इसलिए ये बेसन या आटा इसमें लगाया जाता है भून के, तब ये अच्छी होती है। देखिए, ओ सिट, सॉरी, मैंने पहले इसमें भट्ट भूने थे बट मैंने जीरा डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इनको भून लेती हूँ जी। तो देखिए, जीरा हो गया, मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। मैं प्याज और भट्ट को एक साथ भूनती हूँ, ठीक है। प्याज भी डाल देती हूँ और साथ ही भट्ट भी डाल देती हूँ, जिससे ये दोनों आराम से भून जाते हैं। ये तो क्या होता है, प्याज जल जाते हैं और भट्ट ऐसे रह जाते हैं। तो दोनों को साथ में भून लो, इनकी आवाज़ आएगी चटकने की, तो इसका मतलब ये भून गए हैं। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें आटा, उसको भूनूंगी। ये थोड़ा गाढ़ा करने के लिए होता है, इसलिए इसमें आटा लगाया जाता है, आटे को भुना जाता है, जिससे कि हमारी जो चावल के संग बने की भट्टी चुटकानी, इसका जो रस होगा वो थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हमें आटा डाला जा लगाया जाता है, इसमें भून के डाला जाता है। देखिए, हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आ रही है, ये फट से ही जाते हैं, जब ये भून जाते हैं तो प्याज भी नहीं जलेगा और भट्ट भी नहीं जलेंगे, दोनों साथ भूनने से। कुछ लोग पहले भट्ट को भून के निकाल लेते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आटा रखा है, इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी बस, बहुत गाढ़ी भी अच्छी नहीं होती चावल पसंद भट्ट की चुटकानी। रूम भी क्लीन कर दिया है, मंदिर वाला रूम भी क्लीन है, इसकी खिड़की बंद है, ठंडे के कारण हम देर में खिड़की खोलते हैं। देखिए, अच्छी धूप आ रही है। चलिए चलते हैं किचन की ओर, कहीं मेरी भट्ट ना जल जाए। कितने से मेरे प्याज जा रहे हैं, कितनी जल्दी प्याज पर कितना अच्छा से मेरा कलर आ रहा है।
अच्छे भुन जाते हैं तभी टेस्टी होते हैं, जैसे लगते हैं मचैन मचैन बेकार से होते हैं, अच्छे नहीं लगते खाने में। तो अब इस स्टेज में मैं डालूंगी इसमें आटा, इसको भूनूंगी। यह है इसमें आटा, इसको हल्का ब्राउन ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी। आटा डालूंगी, इतना मैंने बचा दिया क्योंकि बहुत गाढ़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, अब आप लोगों को पता नहीं। बस उसे माचने में भून रही हूँ। मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, इसको डालूंगी क्योंकि आजकल पानी ठंडा भी काफ़ी होता है, तो इसमें देखिए हमने डाल दिया है पानी। पानी डालूंगी, पहाड़ों की सब्जी होती है भटकी, भटकी चिटकानी नाम होता है इसका। इस तरीके से ये हो जाएगी, मैं डालूंगी इसमें मसाले। इसमें डाल देती हूँ मैं नमक, काफी देर पकी हुई अच्छी होती है तब इसका अच्छा टेस्ट आता है। मिर्च, धनिया, हल्दी, बहुत ज्यादा मसाले नहीं लगते हैं इसमें। मैं पानी में और डालूंगी, ये भी गाढ़ा है, इसमें और पानी डालूंगी। अभी आपको लग रहा है ना ये पतला है करके, लेकिन पतला नहीं है क्योंकि अभी इसमें आटा डाला हुआ है, ये इतना पकता रहेगा, इसमें बॉईल आते रहेंगे इसी माच में पकता रहेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, पता दिख रहा होगा आपको ये। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो देखिए मेरी भटकी बन चुटकानी बन के तैयार है, इसका काफ़ी अच्छा कलर आ रखा है, आप भी बनाएं सर्दियों में भटकी चुटकानी, अच्छी होती है ये। और ये मेरे कुकर में मैंने चढ़ाए हैं चावल, इसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियां, ये मैंने आटा मल रखा है, इसकी रोटी बनाऊंगी मैं। और देखिए फ्रेंड्स ये बनाई थी मैंने हरी सब्जी, ये अभी चावल के संग भी काम आ जाएगी, और सुबह बच्चों ने भी ये खाई थी ब्रेकफास्ट में, ये हरी सब्जी है। और ये बना रही हूँ मैं रोटी, और फ्रेंड्स ये छोटी रोटी जो मैंने बगल में रखी है ये मेरी पहली रोटी तवे की, इसको हम नहीं खाते हैं, ये मैं गाय के लिए बनाती हूँ पहली रोटी, तो मैं साइड रख देती हूँ जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, ये पहली रोटी को मैं साइड रख देती हूँ। ये काफ़ी सारी हम इकट्ठा कर देते हैं, फिर देते हैं हम ये गाय को। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी आने वाले हैं भैया, तो मैंने बनाई है चाय। तो देखिए फ्रेंड भैया आ गए हैं, ये पी रहे हैं यहाँ चाय। ये भी एक उभरते हुए ब्लॉगर हैं, इनकी वीडियो आपने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं ये, और ये चाय पी रहे हैं। अच्छी बनी चाय। कैसी बनी हुई है चाय भैया को? मेरे हाथ की चाय काफी अच्छी लगती है, पहले ही बोल दिया था कि अदरक की चाय बनाना मेरे से। मुझे इनके हाथ की चाय बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे टीवी रूम में अच्छी सी धूप आई है, और मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मेरा खाना भी हो गया है, सब काम भी हो गया है, बच्चों के आने तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर हो नहीं पाता है, उनको खिलाना होता है, होमवर्क होता है, हो नहीं पाता है। चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग में।